दीपावली के मौके पर चोरों की वाकई धमाल रही। जहां मौका मिला वारदातों को अंजाम दिया गया, फिर चाहे वो घर हो या दुकानें, मौका मिला नहीं और वारदातें कर हाथ साफ कर दिया। अब आपको दिखाते हैं अलवर की तस्वीर, जहां इस बार कुछ दुकानों को निशाने पर लिया गया। चोरों की धमा चौकड़ी और निशाने पर दुकानें। चोरों का आतंक इतना कि अलवर शहर में पिछले 3 दिनों में करीब आधा दर्जन दुकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग नहीं। पुलिस कहती है कि वो ताप्तीश में जुटी है, लेकिन हाथ खाली हैं। दरअसल इस बार चोरों ने अलवर के एनएबी थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में 4 दुकानों को निशाने पर लिया। चोर यहाँ छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए। इस वारदात को देख आप समझ सकते हैं कि आखिर बदमाश कितने शातिर रहे होंगे। चोरों ने छत के रास्ते में लगे लोहे के दरवाजे को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे नीचे की तरफ से मोड़ा और फिर थोड़ी सी जगह बनाकर वे इन सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर गए। वारदात की खबर आज सुबह हुई, जब दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे। सिद्धि का ताला तोड़ा है, गेट तोड़ गए और अंदर एंट्री हुए और केबिन में से गल्ले में से पैसे निकाल के ताले चार के तोड़े। चोरी 3 में हुई है। दुकान के पास में सिद्धि लगाई है और उससे ऊपर चढ़े। सुबह आने में मालूम पड़ा कि रात को जो है ऊपर से दरवाजे को सरिये से मोड़ करके दरवाजे से अंदर घुसे, सीढ़ियों के रास्ते दुकान में अंदर घुसे और घुस करके और ये गल्ला खोल करके उसमें से करीब 1800 रुपये और चांदी की साईं बाबा की मूर्ति और लक्ष्मी देवी की मूर्ति जो है उसको वो चोरी करके ले गए। ये पेशकश और ये कैंची वगैरह जो है ये मोड़ गए, इससे खोला उन्होंने। पुलिस से गुजर मेन रोड पे किसी वक्त एक का चक्कर लगाते हैं, बाकी रात को तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, हम चले जाते हैं घर। चार दुकानों के ताले तोड़े गए और 3 दुकानों में वारदात को अंजाम दिया गया। आखिरकार दुकानदारों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, अपनी पड़ताल की। पुलिस तफ्तीश में हालांकि कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि वारदातों को अंजाम देने वाली इस गैंग में कोई पतला दुबला शख्स शामिल रहा है जो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। थाने पे टेलीफोन गया था, इस पर हम आए थे तो ट्रांसपोर्ट नगर में 4 दुकानें हैं, इनमें छत पे चढ़ करके पीछे जो इनका जो होता है उसको मोड़ करके घुसे हैं, गेट को ऊंचा करके और थोड़ा घुसे, ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल कोई बच्चा ही हो सकता है, ज़्यादा बड़ा आदमी से भी नहीं घुस सकता और छोटा जो भी सामान गया उसकी जाँच कर। ऐसा भी हो सकता है छोटे बच्चे का प्रयोग किया हो, गैंग हो कोई? हाँ ये हो सकता है, रात को गश्त थी मैंने छत पे चढ़ के, गश्त नीचे रहती है। अच्छा, सामान के बारे में भी जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे। कहने को तो यहाँ भी पुलिस कहती है कि उसकी गश्त जारी रहती है, लेकिन अगर कोई छत के रास्ते से दाखिल हो जाए तो पुलिस कैसे नजर रख सकती है। हालांकि यहाँ पुलिस अपनी सफाई में कुछ ऐसी ही बातें जरूर करती है, लेकिन सवाल ये भी है कि वारदात को अंजाम देकर चोर छत के रास्ते नहीं बल्कि मुख्य रास्ते से ही फरार हुए होंगे। ऐसे में खाकी की गश्त कहां रही, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।